नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जब यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी लगातार इस चीज़ को बोल रही है मलिष्का से कि मलिष्का तुम्हें ये व्रत किसी भी कीमत पर रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुमको किसी भी तरीका से राइट्स नहीं है। ऋषि की मैं वाइफ हूँ और अभी भी मेरे पास में वही हक है कि मैं हर तरीका से ऋषि के लिए करवा चौथ का व्रत रखूँ, ना कि तुम रखो। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में एक नहीं बल्कि समय एक से बढ़कर एक एक नए नए टूट भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दोस्तों इस समय की एक और भी नई चीज़ देखने को मिलेगी, जहां पर मलिष्का बोलती हुई नजर आएगी कि हो कुछ भी जाए लेकिन व्रत तो मैं ही रखूंगी और मैं यहां पर लक्ष्मी के व्रत को भी पूरा नहीं होने दूंगी। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी के साथ में ऋषि है, ऋषि की दादी है, तो लक्ष्मी को क्या दिक्कत है? क्योंकि लक्ष्मी को यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली है भी नहीं, जब पूरी फैमिली लक्ष्मी के साथ है सिर्फ नीलम को छोड़कर। हालांकि दोस्तों नीलम चाहे कितना भी प्रयास कर ले लेकिन नीलम की एक नहीं चलने वाली, इस समय चलेगी सिर्फ और सिर्फ ऋषि की दादी की, क्योंकि ऋषि की दादी बोल रही है इस चीज़ को कि जो हम चाहेंगे होगा वही, चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले मलिष्का, और मलिष्का के होने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो हम चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाली कहानी में एक और भी ज़ोरदार ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मलिष्का को ज़ोरदार तमाचा रसीद करती हुई नजर आएगी लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी उस समय तमाचा मारेगी जब यहाँ पर मलिष्का बोलेगी कि हम ऋषि के लिए व्रत रखेंगे, तुम एक काम करो बलविंदर के लिए रख लो। क्योंकि दोस्तों बलविंदर के लिए खुद मलिष्का को रखना चाहिए क्योंकि वो उसके साथ में सोई है, संबंध बनाई है, और उल्टा वो यहाँ पर बलविंदर के लिए लक्ष्मी को बोल रही है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं।